Assalamualaikum guys, this is Daniel Yasin with you with another lecture of Daniel's Education Portal. Basically, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो सेकंड पार्ट है टी अकाउंट्स एंड ट्रायल बैलेंस का. इसमें हम क्या कर रहे होंगे, कल हमने एक क्वेश्चन देखा था, वो छोटा सा क्वेश्चन था, उसमें जो है इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस कोई नहीं थी. मतलब जिस हिसाब से हमने स्टार्ट किया था उस हिसाब से कुछ भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं थी उसमें. तो ये जो क्वेश्चन है इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें कॉम्प्लिकेशंस हम ऐड कर दिए मैंने जो है. कर हम वही सेम रहे होंगे, इसमें आप डिफरेंट टाइप की जो है ना एंट्रीज आप देखेंगे, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, कैलकुलेशन आएगी. तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है आपके लिए, तो ज़रा गौर से देखिएगा, गौर से समझिएगा, ताकि जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको ये क्वेश्चन हेल्प करे. और इसमें जो है मतलब जो नॉर्मली आपके कॉमर्स है, फर्स्ट ईयर है, और जो है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग सीए में है, तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो फिर आपको जो है काफी हेल्पफुल होता है जब आप किसी भी बड़े क्वेश्चन की तरफ जाते हैं. ठीक है जी. और मेरे हिसाब से कॉमर्स वालों के लिए तो ये बहुत ही जो है ना एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है, उनका जो है ना बहुत ज्यादा जो है ना डिफिकल्ट तो आता नहीं है, इस वजह से उनके लिए काफी अच्छा क्वेश्चन है. गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप न्यू वीडियो से बाखबर रहें, और सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जो भी हमारी न्यू वीडियो है आपको फौरन उसका नोटिफिकेशन मिल सके. शुक्रिया. आइए चलते हैं हमारी आज की वीडियो की तरफ. हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन की रीडिंग से. अच्छा जी, तो क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमें ये कह रहा है अली इज द ओनर ऑफ ए मिल्क शॉप. He opened the shop with a capital of 2000 rupees cash and he did follow transactions during this month. ठीक है जी. अली एक जो है ना दुकानदार है, उसने जो है ना एक दुकान खोली है और उसने दुकान में जो पैसा लगाया है वो है 20,000 रुपए कैश में. ठीक है जी, इतना उसने इन्वेस्ट किया है. जब आप किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर देते हैं तो मतलब वो पैसा आपका नहीं रहा, वो पैसा बिजनेस का हो गया है, आपकी उस पर से जो है ना हुकूमत चली गई है. अब उस बिजनेस की जिसमें आपने जो है उसे इन्वेस्ट कर दिया है उसमें उसकी हुकूमत आ गई है. तो बेसिकली वो जो बिजनेस होता है वो जो है उस पैसे का असल हकदार नहीं होता, वो असल उस पैसे के हकदार तो आप होते हैं. तो बिजनेस के लिए क्या बन जाएगी, लाइबिलिटी. मतलब एज इन लाइबिलिटी हम उसे देख रहे होंगे, यहाँ पर हम लाइबिलिटी के नाम से तो हम उसको नोट नहीं कर रहे होंगे, हम उसको नोट कर रहे होंगे कैपिटल अकाउंट के नाम से, जो कि मैं पहले कल भी बता चुका हूँ. कैपिटल अकाउंट के नाम से कोई भी इंट्रोड्यूसिंग जब भी अमाउंट आती है तो उसे जो है हम कैपिटल अकाउंट में डालते हैं. ठीक है जी. फिर उसके बाद ट्रांजेक्शन की जब बात कर रहे हैं तो ट्रांजेक्शन में सबसे पहले ही परचेज 100 लीटर्स ऑफ मिल्क कॉस्टिंग 100 रुपीज पर लीटर. ठीक है जी, उसने 100 लीटर जो है ना मिल्क लिया है और पर लीटर जो कॉस्ट है वो 100 रुपीज है. और फिर जो है ही सोल्ड द सेम नंबर ऑफ लीटर्स एट 110 रुपीज पर लीटर. अच्छा जी, तो क्या हो गया यहाँ पे, जो है उसने जो है ना वही 100 लीटर सेम नंबर ऑफ लीटर्स, मतलब जो ऊपर उसने लीटर खरीदे थे 100 के 100 लीटर उसने बेच दिए, वो कितने के बेच दिए, उसने बेच दिए 110 रुपीज पर लीटर के ऊपर. ठीक है जी. He sold 50 kgs of yogurt at rupees 120 per kg. 120 रुपए के हिसाब से 50 किलो का जो है दही बेचा है. और जो है he purchased ingredients for yogurt at 90 rupees per kg. और उसको जो खर्चा पड़ा है दही बनाने के लिए वो 90 रुपए का पड़ा है पर केजी के हिसाब से. ठीक है जी, यहाँ तक बात आई होप आप लोगों को क्लियर होगी, अभी तो सिर्फ क्वेश्चन रीड हो रहा है. ठीक है जी. ऑल ट्रांजेक्शन्स फॉर कैश ट्रांजेक्शन्स प्लीज पोस्ट द ट्रांजेक्शन्स एंड मेक द अकाउंट्स अलोंग विद ट्रायल बैलेंस. ठीक है जी, हमें ट्रायल बैलेंस बनाना है और जो है सबसे पहले ट्रांजेक्शन हमने पोस्ट करनी है, मतलब एंट्रीज बनानी है, फिर हमने टी अकाउंट्स बनाना है और फिर टी अकाउंट्स की मदद से हमने ट्रायल बैलेंस बनाना है. तो सबसे पहले हमें ट्रांजेक्शन बनानी है, स्टार्ट करते हैं उससे हम.
अच्छा, कल मैंने आप जो वीडियो अपलोड हुई है इसका पार्ट वन जो है उसके अंदर मैंने ये बताया था कि जब भी कैपिटल की बात आती है तो सबसे पहली एंट्री उसकी होगी। जब भी आप देख रहे हैं कि मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स हैं तो आप सबसे पहले ये देखेंगे कि उसमें कहीं कैपिटल की ट्रांजेक्शन्स तो नहीं है। अगर कोई कैपिटल की ट्रांजेक्शन है तो सबसे पहले आप उस ट्रांजेक्शन को नोट करेंगे। अच्छा, सबसे पहली जो है हमारी कैश कैश आ रहा है वही कैपिटल की हमारे पास जो है ना पहली एंट्री आएगी वो है कैश। कैश हमारे पास कितना आ रहा है, 20,000 रुपीज। कैपिटल ऑफ रुपीज 20,000 रुपीज कैश। अब बिजनेस में क्या आ रहा है, बिजनेस में कैश आ रहा है और उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसकी वजह से वो जो है कैपिटल आपका बढ़ रहा है। और कैपिटल का मतलब है ये किसी आपका जो पैसा है वो बिजनेस में आ गया और बिजनेस आपका मकरूज हो गया 20,000 रुपए से। भाई बिजनेस के अंदर ये पैसा है, ये आपका पैसा है जो बिजनेस के अंदर लगा हुआ है। ठीक है जी, एक चीज तो ये हो गई, पहली एंट्री हमारी ये हो गई। दूसरी एंट्री क्या है, ये परचेज। अच्छा, अब देखें बहुत ज्यादा मैटर करता है ये चीज, अच्छे से दिमाग में बिठा लें। बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आप किस ऑर्डर में एंट्रीज डाल रहे हैं, क्योंकि आप जिस जिस ऑर्डर में एंट्रीज डालेंगे आपके लिए उतना इजी हो जाएगा आपकी जो है ना ट्रांजेक्शन को पोस्ट करना आपके टी अकाउंट्स में। अगर जो है आप ऑर्डर जो है बहुत आगे पीछे कर देते हैं तो फिर क्या होगा कि जो है ना आपको वहां पे काफी ज्यादा मुश्किल होगी जब आप टी अकाउंट्स में आ रहे होंगे। एक और बात, इसका मतलब ये नहीं है कि जिस ऑर्डर में हमें क्वेश्चन में दिया गया है हमने उस ऑर्डर में जो है ट्रांजेक्शन पोस्ट करनी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने अपनी कॉमन सेंस भी यूज करनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर वो मिल्क बेच रहा है तो मिल्क बेचने से पहले वो मिल्क खरीदेगा, ऐसा तो नहीं है ना कि मिल्क पहले बेच देगा बाद में खरीदेगा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। तो पहले जो है वो खरीदेगा उसके बाद वो बेचेगा, तो पहले ट्रांजेक्शन कौन सी आनी चाहिए, खरीदने की आनी चाहिए या बेचने की आनी चाहिए? ऑब्वियसली खरीदने की आनी चाहिए। तो आपने यहाँ पे कॉमन सेंस का भी यूज करना है कि आपने जो पहली ट्रांजेक्शन पोस्ट करनी है वो आपने परचेज की पोस्ट करनी है। इसी तरह बिल्कुल सेम, दही जो है वो पहले जो है बनाने के लिए उसका सामान लिया जाएगा और जब वो बनेगा उसके बाद जो है वो फिर सेल होगा। ऐसे नहीं होगा पहले सेल हो जाएगा बाद में उसका सामान आ रहा है बनाने के लिए। तो यहां पर भी आपने देखना है, मैंने ये चीज इंक्लूड की है इस क्वेश्चन में, मैंने ऑर्डर थोड़ा आगे पीछे किया है क्वेश्चन में ताकि आपको इस चीज का पता चल सके। ठीक है जी, तो ये चीज आपने बहुत जो है ना इस पे गौर करना है। ठीक है जी, आई होप आपको ये पॉइंट मेरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हमने जो है ना कैश आ गया, अब कैश के बाद जो है ना हम इस पे आ जाते हैं पहली ट्रांजेक्शन पे कि भाई उसने मिल्क खरीदा है। अब देखें कॉमन सेंस की बात है, मिल्क खरीदेगा उसके बाद बेचेगा, तो ये बात जो है समझ में आने वाली है कि हाँ भाई अब हम ये ट्रांजेक्शन पोस्ट करेंगे कि भाई उसने मिल्क खरीदा है। ठीक है जी, उसने कितने कितने लीटर मिल्क खरीदा, सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, बिजनेस के पास क्या आएगा, बिजनेस के पास आएगा मिल्क। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल मैथमेटिक्स होगी, 100 को आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास जो है ना 10,000 रुपीज की वैल्यू आ जाएगी। इसको मैं साथ ब्रैकेट में लिख देता हूँ, 10 सॉरी 100 × 100, ये हमने मल्टीप्लाई करके लिए वैल्यू। ठीक है जी, यहां पे भी मैं लिख देता हूं 100 L × 100 रुपीज पर लीटर ताकि कोई कुछ कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है जी, ये हमने इस तरह वैल्यू निकाल ली है। अब जब हम देखते हैं मिल्क की वैल्यू आ गई हमारे पास, ये तो हमारे पास आ गया बिजनेस के पास, ये मिल्क आ गया, कितने का मिल्क आ गया, 10,000 रुपए का। ठीक है जी, उसके पास से जाएगा क्या, हमें यहाँ पे जो है ना ये चीज, ये देखें ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, जब आप ट्रांजेक्शन पोस्ट कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ऑल ट्रांजेक्शन वर कैश ट्रांजेक्शन। अच्छा देखें, जब भी आप क्वेश्चन रीड करें ना, अगर इस तरह लिखा हुआ हो, इस तरह की स्टेटमेंट आ जाए कोई, तो आप फौरन उसे हल्का सा जो है ना
हल्का सा आप हाईलाइट कर लें, उससे क्या होगा कि आपको याद रहेगा कि भाई कोई भी जो आपको जो है ना बार बार आगे पीछे नहीं देखना पड़ेगा कि भाई इसने कैश पे खरीदा है किस तरह खरीदा है, तो वो जो है ना सिंपली आपको जो है ना वो बार बार एक ही बार आपने उसे देख लिया होगा, तो फिर आपको जो है ट्रांजेक्शन पोस्ट करना ईजी होगा कि भाई सिंपली मैंने जो है ना कुछ भी खरीदा या बेचा है वो मैंने कैश पर ही किया है, तो मुझे सिंपली कैश डेबिट या क्रेडिट करना है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका कैश जो है वो हो जाएगा सेम अमाउंट से क्रेडिट, 10,000 का मिल्क आ गया और 10,000 का कैश चला गया हमारे पास से। अब आ जाते हैं थर्ड पे, क्या भाई तीसरी ट्रांजेक्शन क्या होगी, जब मिल्क खरीद लिया तो लाजमी बात है उसे बेचेंगे, फिर ही सोल्ड द सेम नंबर ऑफ लीटर्स एंड 110 रुपीज पर लीटर। अच्छा यहाँ पे जो है ना आपके लिए एक न्यू चीज भी है, एक न्यू चीज आने वाली है आपके लिए, तो बड़ा गौर से देखिएगा, ये चीज बहुत काम की है, तो जरा गौर रखिएगा अपना जो है ना कंसंट्रेशन पूरी यहाँ पे रखिए। अच्छा जी, उसने जो है ना मिल्क बेचना है, अब मिल्क बेचने लगा है वो, ठीक है जी। अब मिल्क जब बेचने लगा है तो उसके पास कैश आया, अब हम क्या करेंगे सिंपल मैथमेटिक्स फिर से, अब कितने पे उसने बेचा है, उसने बेचा है 110 रुपीज पर लीटर पे, तो 110 को जब आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आपके बन जाते हैं 11,000 रुपीज, कितने बन जाते हैं 11,000। और जब हम 11,000 का मैं यहाँ पे जो ना ब्रेक डाउन भी लिख देता हूँ, 100 लीटर्स थे हमारे पास और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 110 रुपीज पर लीटर से, ठीक है जी। बहुत ही सिंपल, देखें कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बिल्कुल इजी गेम है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, कितनी इजी ट्रांजेक्शन पोस्ट हो रही है जी, तो टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है जी। अब जब हमारे पास कैश आ गया तो एक तो हमारे पास से जाएगा मिल्क, मिल्क हमारे पास से जाएगा, मैं 1 मिनट इसको थोड़ा सा ऊपर कर लूं, उससे क्या होगा कि हमारा ऑर्डर खराब ना हो, चलें ठीक है ऐसे ही चल रहे। अच्छा जी, अब मिल्क, मिल्क हमने लिया कितने का था, 10,000 का हमने लिया था, ये तो हमें याद है ना, हमने ऊपर ट्रांजेक्शन पोस्ट किया, हमने कितने का मिल्क लिया था। अब 10,000 का जब आपने लिया था तो यहाँ पे 10,000 का क्रेडिट होगा ना, हम इसको 11,000 का क्रेडिट तो नहीं कर सकते। अब आने लगी है सबसे इंपॉर्टेंट और एक न्यू चीज जो आपने अभी तक नहीं देखी, वो यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल। हाँ मैं आपको भी समझाता हूँ, 1 मिनट के लिखते हैं, मैं आपको जो है समझाता हूँ कि क्या सीन है इसका, ठीक है जी। अब अगर हम देखें हमारी क्रेडिट और डेबिट साइड दोनों बैलेंस हो गई, ठीक है जी। अब जब हम बात कर रहे हैं कि भाई मैं कैपिटल अकाउंट क्यों लेके आया हूँ, कैपिटल अकाउंट यहाँ पे क्यों आया है, उसका क्या रीजन है, उसका रीजन ये है कि जो है जब भी कोई भी प्रॉफिट या लॉस होता है, प्रॉफिट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि बिजनेस में जो पैसा लगा है इन टोटल वो बढ़ेगा, वो बढ़ जाएगा। मतलब अगर प्रॉफिट हो रहा है, आपने 20,000 लगाया था, अगर आपको 2,000 4,000 5,000 का प्रॉफिट हो रहा है, वो जितने का भी प्रॉफिट हो रहा है, उसका मतलब है कि जो आपने पैसा लगाया था उसमें वो पैसे ऐड हो रहे हैं, क्योंकि वो तो आपकी नेट इन्वेस्टमेंट से ऊपर पैसा आ रहा है, ठीक है जी। और इसी तरह अगर कोई लॉस हो रहा है, इसका मतलब है आपने आपकी बिजनेस की जो इन्वेस्टमेंट है वो कम हो रही है, आपने जितनी इन्वेस्टमेंट की थी वो नेट इन्वेस्टमेंट जो है वो अब डिक्रीज हो रही है, तो इसी वजह से कोई भी प्रॉफिट या लॉस वो जो है हम क्या कर रहे होते हैं, वो हम कैपिटल अकाउंट में पोस्ट कर रहे होते हैं। अब ये तो सिंपल मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन थी, अगर आप देखें तो 10,000 की हमने चीज खरीदी और 11,000 की बेच दी, इन सिंपल 10,000 की खरीदी 11,000 की बेच दी, 1,000 का प्रॉफिट वो हमने उठा के कैपिटल अकाउंट में डाल दिया, ठीक है जी। आई होप यहां तक आपको सब क्लियर हो गया होगा, ठीक है जी, ठीक है जी। यहां तक आपको आई होप क्लियर हो गया होगा, कोई भी क्वेश्चन है आप जो है कमेंट्स में डाल सकते हैं, ठीक है जी। अब हम मूव करते हैं हमारे जो है अगली ट्रांजेक्शन की तरफ, हमारी दो ट्रांजेक्शन रह गई हैं, हमने कैपिटल अकाउंट की भी डाल दी है, हमने ए भी कर दी है और बी भी कर चुके हैं, अब हमारी सी और डी रह गई है,
ही सोल्ड 50 kgs ऑफ योगर्ट एंड 120 rupees per kg। अब यहाँ पे वही बात आ गई जो मैं पहले आपको समझा रहा था कि भाई आप जो है ना जब तक खरीदेंगे नहीं आप उसे बेच कैसे सकते हैं, ठीक है जी। तो पहले आपको खरीदना पड़ेगा बेचने से पहले, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपने इसको माइंड में रखना है। अब आपने जब तक खरीदा नहीं है तो आप बेचेंगे कैसे, तो पहले तो आपको उसको बनाना पड़ेगा ना, और बनाने के लिए आपको उसका सामान वगैरह खरीदना पड़ेगा, और जो है उसके जो सामान खरीदने की ट्रांजेक्शन है वो डी पर है, और उससे पहले मैंने जो लिखी हुई है सी। तो आपने ये ऑर्डर बड़ा जो है ना गौर रखना है इसके ऊपर जो है ना, बड़ा देखना है, बड़ा ध्यान रखना है इस चीज का, नहीं तो जो है आपकी मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, तो इस वजह से ख्याल रखिएगा इस चीज का। हम मूव करते हैं, हमारे रीड करते हैं हमारी डी को, क्योंकि पहले परचेज करेंगे हम। ही परचेज इंग्रेडिएंट्स फॉर योगर्ट एट 90 rupees per kg। अब देखें यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा ट्रिकी काम हो गया है। अब यहाँ पे उसने केजीज नहीं दिए हुए, नंबर डी ट्रांजैक्शन में उसने केजीज आपको नहीं बताए हुए, वो सी में बताए हुए, ठीक है जी। तो आप केजीज वहां से उठाएंगे, क्योंकि हमने जो है ना हम यही एज्यूम करेंगे यहाँ पर जब उसने कुछ भी केजीज नहीं लिखे हुए, तो हम जो है ना यहाँ पे यही एज्यूम करेंगे कि उसने उतने ही खरीदे थे और उतने ही बेच दिए। तो अब जितने उसने बेचे हैं वो कितने हैं, वो 50 kg हैं, तो इसी वजह से हम परचेज भी वही एज्यूम करेंगे जब कुछ नहीं लिखा हुआ होगा, कोई इशारा नहीं है तो हम यही एज्यूम करेंगे, सिंपल रखेंगे चीजों को। तो जनाब हमने जो है ना इंग्रेडिएंट्स खरीदे, मैं इंग्रेडिएंट्स लिख देता हूँ। इंग्रेडिएंट्स हमने कितने के खरीदे हैं, हम ऊपर जाते हैं फिर से देखते हैं। इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे 90 rupees per kg, और कितने केजी हैं, 50 kg। तो सिंपल मैथमेटिक्स 4500 rupees के आपके जो है इंग्रेडिएंट्स आ गए। मैं साथ में इसका जो है ना ब्रेकडाउन लिख देता हूँ, 50 kg इंटू सॉरी कितना 90, हाँ जी 90 rupees per kg। ये हमारा ब्रेकडाउन भी आ गया, देखें जी कितना सिंपल है, कोई मसला ही कोई नहीं। और जब हमने खरीदा है और ऊपर हमें उसने क्या कहा था, सारी ट्रांजैक्शंस किस पे हैं, कैश पे हैं, तो हमने खरीदा किस पे होगा, कैश पे, ठीक है जी। बहुत ही सिंपल, कुछ मुश्किल था, कुछ भी मुश्किल नहीं था। ये देखें आप यहाँ पे उसने हमें बता दिया कि ऑल ट्रांजेक्शन्स वर मेड इन कैश, ऑल ट्रांजेक्शन्स वर कैश ट्रांजेक्शन्स। तो ये चीज़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार इस वजह से कह रहा हूँ कि ये पॉइंट जो होते हैं ये आपको बहुत हेल्प करते हैं क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने में। लेकिन यहाँ पर मुझे ना बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपके माइंड में ये चीज़ बैठ जाए, ठीक है जी। अब हमने जब खरीद ली एक चीज़ तो अब हम उसे बेचेंगे, अब जब हम उसे बेचेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, जब सारी ट्रांजेक्शन कैश की हैं तो हमारे पास ऑब्वियसली कैश आएगा। अब हम जाके ऊपर देखेंगे कि उसने बेचा कितना कितने का है। अच्छा जी, ही सोल्ड 50 kg ऑफ योगर्ट एट 120 rupees per kg। अब 120 rupees per kg के हिसाब से उसने जो है आपके 50 kg सेल किए हैं, तो ये सिंपल मैथमेटिक्स में आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 6000 rupees का आंसर आ जाएगा। इसका मैं साथ ब्रेकडाउन लिख देता हूँ कि भाई 50 kg थे और जो है हमारे पास जो टोटल वैल्यू आ रही है वो थी 120 rupees per kg के हिसाब से हमने जो है ना इसको सेल किया है, और जनाब ये हमने इसका ब्रेकडाउन लिख दिया है, ठीक है जी। देखें कितना सा सिंपल सा था। अब जब हमने कितने का खरीदे, कितने के थे इंग्रेडिएंट्स इसके लिए, हमने जो खरीदे थे वो खरीदे थे 4500 रुपीज के। अब हमने जितने के खरीदे थे वो सब के सब जो है ना इससे हम लेस कर रहे होंगे, मतलब एक डेबिट और एक क्रेडिट, तो सिंपली इन अदर वर्ड्स क्या हो गया, तो वो लेस हो गया। अब समझ लें हमने 4500 रुपीज की एक चीज तैयार की है और हमने उसको 6000 रुपीज में सेल कर दिया है, तो हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास इन अदर वर्ड्स क्या हो गया, हमारे पास 1500 रुपीज का
जो है वो हो गया कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। और जब कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है इसका मतलब है कि हमारे जो टोटल अमाउंट बिजनेस में है उसमें एडिशन हो रहा है और इसका मतलब है हमें प्रॉफिट हो रहा है। जब कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा होता है उसका मतलब होता है कि जो टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड थी बिजनेस में उसमें डिक्रीज आ रहा है, वो लेस हो रही है और उसकी वजह से हमें ये पता चल रहा है कि बिजनेस में जो है वो लॉस हो रहा है। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जो है ना यहाँ पे एक एग्जाम्पल की जो है ना एक ट्रांजेक्शन लिख लूँ, ये मैं रेज कर दूंगा, ये जो है ये बिल्कुल हटकर है, जो ऊपर क्वेश्चन है ये उससे लिंक नहीं है। मैं जो है ना मैं सिर्फ जो है ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल अगर लॉस होता हमें, हम जो है ना फॉर एग्जाम्पल हम 80 रुपीज पर केजी के हिसाब से बेच रहे होते ना, अब 80 रुपीज के हिसाब से अगर हम बेच रहे होते तो वो हमारी जो टोटल बनता वो बनता हमारा 4,000 रुपीज का। तो 50 kg into 80 rupees पर केजी, ठीक है जी, ये एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है, आप कंफ्यूज ना हो जाए ये मैंने कहां से उठाया, ठीक है जी। तो फिर क्या होगा, अब जब हम नीचे आएंगे कि भाई अब क्या करना है, अब हमें दो चीजें करनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो ये देखें ना आप यहाँ पे आके, अच्छा बेटर ये कि आप जो है ना मैंने आप लिख दिया इंग्रेडिएंट्स वो कितने के थे 4,500 के। अब हम देखें कि हमें बैलेंसिंग फिगर कहाँ पे डालनी पड़ रही है, हमने एक चीज जो है ना बेच दी है, हमने खरीदी इतने की थी 4,500 रुपीज की और हमने बेच दी है 4,000 रुपीज में। अब बैलेंसिंग फिगर किस तरफ हमें डालना है, हमें डेबिट साइड पे डालना पड़ेगा ना, क्योंकि डेबिट साइड जो है 500 रुपीज से कम है। मैंने ये बात जब डबल एंट्री सिस्टम में समझा रहा था मैंने तब ये बात आप लोगों को समझाई थी, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि कोई भी एंट्री हो हमेशा उसकी डेबिट और जो है क्रेडिट साइड वो इक्वल होंगी। ये चीज याद रखें, ये चीज याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमेशा आपकी जो डेबिट और क्रेडिट साइड है वो इक्वल होंगी। अब जैसे यहाँ पे 500 का बैलेंस जो है ना वो लेस है वहां पर डेबिट साइड पर, तो हमने क्या करना होगा, हमने सिंपली जाके यहाँ पे कैपिटल अकाउंट 500 रुपीज से हम कर देंगे डेबिट। इसका मतलब क्या हो गया, जब यहाँ पे डेबिट होता, ये एग्जाम्पल है, अगर यहाँ पे इस तरह ये ट्रांजैक्शन होती तो इसका मतलब क्या होता, इसका मतलब ये होता कि हमने जो है 500 रुपीज का लॉस कर दिया। वो तो हमें दिख भी रहा है लेकिन मैं आपको कैपिटल अकाउंट के हिसाब से आपको एक ट्रांजेक्शन समझा रहा हूँ कि भाई हमने जो 4,500 की चीज खरीदी थी वो हमने 4,000 में बेच दी तो हमें 500 का लॉस हो गया। तो मैं इन ट्रांजेक्शन आपको समझा रहा हूँ कि किस तरह होगा, ठीक है जी। आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी। अब मैं इसको ये एग्जाम्पल को रेज कर रहा हूँ, ठीक है जी। अच्छा अब अगर हम देखें तो हमारी ट्रांजेक्शन रेडी हो चुकी हैं, हमारी जितनी ट्रांजेक्शन थी हम दोबारा एक बार देख लेते हैं कि भाई सबसे पहले हमारी कैपिटल की थी वो हमने पोस्ट कर दी है, फिर हमारे पास ए थी वो भी हमने पोस्ट कर दी है, फिर बी थी वो भी हमने पोस्ट कर दी है, फिर हमने सी को देखा लेकिन सी हमारे ऑर्डर के हिसाब से ठीक नहीं आ रही थी तो हमने डी को भी रीड किया। जब हमने डी को रीड किया तो हमने ये देखा कि जो है वो डी पहले पोस्ट होगी और सी बाद में पोस्ट होगी, और सी से हमें हेल्प लेनी पड़ी। किस तरह हेल्प लेनी पड़ी कि डी में हमें केजीज नहीं बताए थे तो हमने जो है ये जो सेल हुए थे केजीज हमने वही वहां से उठा के हमने वही अज्यूम किया कि कितने ही हमने परचेज किए होंगे जैसे हमने ऊपर भी किया था, ठीक है जी। उसके बाद डी की ट्रांजेक्शन पोस्ट की, उसके बाद हमने सी की ट्रांजेक्शन पोस्ट की, उसके अलावा कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं है। अब पहली चीज थी हमें ट्रांजेक्शन पोस्ट करनी थी, दूसरा था हमें टी अकाउंट्स बनाने थे अलॉन्ग विथ ट्रायल बैलेंस, तीसरी चीज हमारे पास ट्रायल बैलेंस है। तो सबसे पहले हम जाते हैं हमारे टी अकाउंट्स पे, टी अकाउंट्स मैंने रेडी किए हुए हैं कि टाइम कम लगे तो मैंने सिर्फ आपको वो एक्सप्लेन करना है, ठीक है जी। हम ये हमारे आगे टी अकाउंट्स, टी अकाउंट्स पूरे रेडी हैं, सिर्फ मैं अब आपको साथ के साथ ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन समझाता रहूंगा कि बेसिकली हो क्या रहा है, ठीक है जी। तो हमारी जो है पहली ट्रांजेक्शन है जो हमारे पास कैश डेबिट हो रहा है और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। मैंने कल की जो मेरी वीडियो थी इसके जो फर्स्ट पार्ट है उसमें मैंने आपको समझाया था, जब भी आप एंट्रीज पोस्ट कर रहे होते हैं, जब भी आप कोई भी एंट्री पोस्ट कर रहे हैं
आपने हमेशा ये देखना है, जब आप फॉर एग्जाम्पल डेबिट पे आप जाएंगे, पहले आप डेबिट की पुट करेंगे, तो जब आप डेबिट की पुट करेंगे एंट्री, तो आप देखेंगे कि क्रेडिट में कौन सा अकाउंट यूज हो रहा है। आप जैसे अब आप देखेंगे कि क्रेडिट में कौन सा अकाउंट पुट हो रहा है, और आप इस हेड के अंडर कैश के अंडर जाके अपना डेबिट में जो क्रेडिट में आपका जो मेंशनड है अकाउंट, आप उसको मेंशन करके आगे अमाउंट लिख देंगे। इससे क्या होता है कि जब आप टी अकाउंट्स देख रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप टी अकाउंट देख रहे हैं, यहाँ पे जो पहली ट्रांजेक्शन है ये देखें, यहाँ पे जो मैंने पहली ट्रांजेक्शन लिखी हुई है कैपिटल अकाउंट 20,000 रुपीज की, अब आप वो है कैश कैड, लेकिन यहाँ पे लिखा है कैपिटल अकाउंट। इसका मतलब हमें क्या क्या पता चल रहा है कि इसका जो दूसरा इफेक्ट है इस एंट्री का, यहाँ पे ये डेबिट इफेक्ट है, तो इसका जो क्रेडिट इफेक्ट है वो कहाँ पर है, वो है आपका कैपिटल अकाउंट में। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल अगर आप क्रेडिट कैपिटल अकाउंट देख रहे हैं, तो आप जैसे ही देखेंगे आपने ट्रांजेक्शन देखी, तो आपको पता चल गया कि इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ पर है, इसका दूसरा इफेक्ट आपका कैपिटल अकाउंट उसमें कैश अकाउंट में। ठीक है जी, अब इसके साथ ये पहली ट्रांजेक्शन भी मैंने समझा दी है, दोबारा इसको रिपीट कर देता हूँ कि अब यहाँ पे जो है ना हमने देख लिया पहली ट्रांजेक्शन हमारे पास कैश डेबिट हो रहा था, तो हम क्या करेंगे, हम कैश हेड में जाएंगे, कैश का एक हेड बनाएंगे, कैश का टी अकाउंट बनाएंगे, और उसके बाद वहां पर जाके पहली एंट्री हम पोस्ट करेंगे कैपिटल अकाउंट के नाम से 20,000 रुपीज डेबिट की। वो देखें ये रही पहली एंट्री हमने पोस्ट कर दी, कहां पे कैश का हमने एक टी अकाउंट बनाया, ठीक है जी, और उसके अंदर पहली एंट्री हमारे पास पोस्ट हो गई कितने की, 20,000 रुपीज की। अब हम जाएंगे कि हमारे पास क्रेडिट में क्या चीज अवेलेबल है, क्रेडिट में हमारे पास अवेलेबल है कैपिटल अकाउंट 20,000 रुपीज, तो हम अब देखेंगे कि इसके डेबिट में क्या है, इसके डेबिट में कैश है, तो हम सबसे पहले जो हमारा एंट्री नेम है उसका एक जो है टी अकाउंट बनाएंगे, हमने यहाँ पे टी अकाउंट बना लिया कैपिटल अकाउंट के नाम से, ठीक है जी। अब हमारे पास उसका नेम क्या था, जो हमारी डेबिट ट्रांजेक्शन में हेड यूज हो रहा है उसका क्या नाम था, उसका कैश नाम था, तो हम सिंपली कैश यूज करेंगे और उसके साथ जो अमाउंट क्रेडिट हो रही है इस अकाउंट में हम वो लिख देंगे, ठीक है जी। ये हमारी जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन थी वो हमने पूरी कर ली है। इसी के साथ अब हम मूव ऑन करते हैं हमारी सेकेंड ट्रांजेक्शन की तरफ। हमारी जो सेकेंड ट्रांजेक्शन है वो हमसे क्या कहना चाह रही है, वो हमसे ये कहना चाह रही है कि भाई जो मिल्क है वो हमने परचेज किया था, तो मिल्क हमारे पास डेबिट हो रहा है, उसके साथ ब्रेकडाउन लिखा हुआ है, और जो है ना कैश हमारे पास से जा रहा है तो वो क्रेडिट हो रहा है। अब जब मिल्क हमारे पास डेबिट हो रहा है, अब जब मिल्क हमारे पास डेबिट हो रहा है तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक मिल्क का हेड बनाएंगे, एक मिल्क का टी अकाउंट बनाएंगे। हमने बिल्कुल ऐसा किया, हमने मिल्क का जो है ना एक टी अकाउंट बना लिया, ठीक है जी। अब जब हमने टी अकाउंट बना लिया, फिर हम देखेंगे कि उसके क्रेडिट में कौन सा जो है ना हेड यूज हो रहा है, कैश यूज हो रहा है, और जो इन टोटल ट्रांजेक्शन की अमाउंट हो वो जो है ना, वो वैसे मैंने बताया हुआ है क्रेडिट और डेबिट की सेम हो रही होगी, तो ठीक है जी। अब यहाँ पे हमने क्या किया, हम गए मिल्क के हेड के अंडर गए और हमने जो है ना डेबिट कर दिया 10,000 रुपीज कैश के नाम से, क्योंकि हमारे जो क्रेडिट में हेड यूज हो रहा था वो कैश का हेड था, ठीक है जी। ये हमारी हो गई फर्स्ट हाफ सेकंड ट्रांजेक्शन का। अब हमने दूसरा क्या करना है, हमने दूसरा जाना है, हमने दूसरा देखा कि भाई कैश का है, ये क्या है, ये कैश का हेड यूज हो रहा है, तो कैश का हेड तो हमने ऑलरेडी ऊपर बना लिया था, टी अकाउंट हमने बना लिया कैश का, तो हमने सिर्फ क्या करना है, हमने डेबिट का ऐड देखना है, वो है मिल्क, और उसके नाम से हमने 10,000 रुपीज को जो है वो जो है हमने कर देना है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमने सिंपली हमने यहाँ पे देख लिया कि कैश का 10,000 कैश का हेड जो है वो तो हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है, यहाँ पे यूज हो रहा है कैश, और कैश का हेड हम ऑलरेडी बना चुके हैं, वो जो है हमें दोबारा बनाना नहीं पड़ेगा, एक ही बार टी अकाउंट बनाना होता है, उसके बाद जो ट्रांजेक्शन पोस्ट करनी होती है। अच्छा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, ये समझ लें आपने जो हेड ये यूज करना है, ठीक है जी, सिर्फ आपने यहां से हेड लेना है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल, आपने सिंपल यहां से हेड उठाएं और डेबिट में जो कुछ हो रहा है ना वो वहां पे पोस्ट कर दें, सिर्फ हेड उठाएं। यहां पे हमने हेड उठाया, कैश था, कैश का हेड था, और उसके साथ क्या हो रहा था, उसके साथ ये हो रहा था कि मिल्क जो है 10,000 रुपीज का वो जो है क्रेडिट हो रहा है, यहां पे जो है ये जो है मिल्क आएगा, सॉरी
ये जो है मिल्क आपका क्रेडिट हो रहा है, कितने का हो रहा है यहाँ पे, ये हो रहा है 10,000 रुपीज का। ठीक है जी, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हमने कैश 10,000 रुपीज जो है वो जो है डेबिट हो गया। ठीक है जी, हमारे पास 10,000 का आ गया और यहाँ पे 10,000 रुपए हमारे पास से चले गए मिल्क के नाम से। ठीक है जी, ये हमारे अपोजिट हमें दिख रहा है तो भाई एक यहाँ पे एंट्री आ गई, एक यहाँ पे एंट्री आ गई, मतलब हमने एंट्री जो है कंप्लीट कर ली है। ठीक है जी, अब बिल्कुल सेम करना है, अब वो जो मैंने आपको ऊपर ट्रिक बताई ना, आप बिल्कुल सेम वही करें। यहाँ पे कौन सा हेड है, कैश का हेड है, सिर्फ कैश का हेड आपने टी अकाउंट बनाया हुआ है। अब आपने सिंपली क्या करना है, आपने इन दोनों को उठा के वहां उस कैश के टी अकाउंट में डाल देना है। यहाँ पे आए, अभी हम देखते हैं कैश यहाँ पे डेबिट हो रहा है। ठीक है जी, तो हमने डेबिट साइड पे ये क्रेडिट का जो भी लिखा हुआ है वो हमने सब डाल देना। हमने क्या किया, हमने वही किया, हमने सिंपली उठा के इसे डाल दिया यहाँ पे, जो मिल्क और जो है हमारा कैपिटल अकाउंट वो दोनों यहाँ पर आ चुके हैं। तो यहाँ पे जो है हमारा कैपिटल अकाउंट आ गया। ठीक है जी, और बिल्कुल अच्छा जी, ये देख लें, अब हमने क्या कर लिया, हमने यहाँ पे टिक कर लिए, जितनी ट्रांजेक्शन हम कर चुके थे। अब हम दोबारा एक बार रीचेक मार लेते हैं कि भाई ये जो है हमने अभी अभी ट्रांजेक्शन जो की है उसमें क्या था, कैश था और कैश का टी अकाउंट हम यूज कर रहे थे क्योंकि कैश डेबिट हो रहा है। अब डेबिट साइड में हमने क्या करना था, क्रेडिट की सारी वैल्यूज पुट कर देनी थी, तो हमने क्या किया, हमने सिंपली जो है क्रेडिट की सारी वैल्यूज पुट कर दी। अब यहाँ पे जो है ना मिल्क उसमें 10,000 था और कैपिटल अकाउंट 1,000 रुपीज का था। ठीक है जी, हमने ये चीजें कर ली हैं। अब जब हम आगे देखें, हमारे पास अब नंबर फोर ट्रांजेक्शन है। नंबर फोर ट्रांजेक्शन में हमने इंग्रीडियंट्स परचेज किए थे 4,500 रुपीज का, जो हमारा इंग्रेडिएंट्स का जो टी अकाउंट है हम वो बनाएंगे सबसे पहले, वो हमने बिल्कुल यहाँ पे बना लिया था। ये रहा हमारे पास वो टी अकाउंट। ठीक है जी, वो हमने रेडी कर लिया है। अब हमने दूसरी चीज क्या करनी है, अब हमने सिंपली क्या करना है, उस टी अकाउंट में हमने क्रेडिट में जो वैल्यूज दी हुई थी हमारे पास कैश की 4,500 रुपीज की, हमने वो सिंपली उठा के वहां पर डाल देनी है। और हमने बिल्कुल ऐसा ही किया है कि हम अच्छा जी, अब हमने यहाँ पे क्या किया, हमने सिंपली जो है ये हमारा कैश आ गया और इसके जो है ना रेट्रोस्पेक्टिवली जो आ गया वो तो यहाँ पे आपके पास से कैश चला गया, यहाँ से आपके पास से कैश चला गया और इसके अंदर वो हमने इन्वेस्ट कर दिया, तो इंग्रेडिएंट योगर्ट के डेबिट हो गए और हमारे पास से 4,500 रुपीज का कैश चला गया, तो यहाँ से कैश जो है क्रेडिट हो गया। ठीक है जी, ये हमने फोर्थ एंट्री भी कर ली। अब हम आ जाते हैं फिफ्थ पर। सबसे पहले हेड कौन सा है, हेड है हमारे पास कैश और क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो हमने सिंपली नीचे वाले उठा के वहां पे पोस्ट कर देना है टी अकाउंट में डेबिट साइड पे। तो आपके इंग्रेडिएंट्स और कैपिटल अकाउंट आपका जो है यहाँ पे मैंने पूरा उसका जो है ना डाल दिया है, तो वो कितना है 4,500 और 1,500 इंग्रेडिएंट्स और जो है कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे देख लें इंग्रेडिएंट्स और कैपिटल अकाउंट, सिंपली हमने क्या करना है, हमने ऊपर देखना है कि ट्रांजेक्शन कौन सी है और सिंपली हमने उठा के वो पोस्ट कर देनी है। ठीक है जी, अब जब हमने ये देख लिया तो अब हम देखेंगे कि क्रेडिट में हम किस तरह डालेंगे। अब क्योंकि इंग्रेडिएंट जो है 4,500 रुपीज के ही थे, तो हम उसके अगेंस्ट 4,500 रुपीज ही जो उसका डेबिट का था वो हम डेबिट की वैल्यू ले लेंगे उतनी और कैश कर देंगे। ये हमारे पास कैश आ गया 4,500 रुपीज, क्योंकि हमारे पास जितने हमारे पास से हमने वो सब यूज करके हमने जो है ना वो बना लिया था, तो 4,500 रुपीज की वैल्यू हमने यूज की थी, मतलब 4,500 वैल्यू की जो चीजें थी हमने वो यूज की थी और वो सब की सब जो है ना वो जा रही हैं, उससे जो हमने प्रोडक्ट बनाई थी वो जा रही है, तो हम सिंपली उसे क्रेडिट कर रहे हैं। ठीक है जी, और दूसरी साइड पे हमारे पास क्या हो रहा था कि यहाँ पे जैसे कैपिटल अकाउंट हमारा जो है ना प्रॉफिट हो रहा था 1,000 रुपीज का, वो हमने यहाँ पे पोस्ट कर दिया था, बिल्कुल ऐसे ही हमारे पास अब 1,500 का प्रॉफिट हो रहा है तो वो हमने यहाँ पे पोस्ट कर दिया। तो हमारे पास टोटल तीन तीन जगह इसके जो है ना इफेक्ट्स आने थे, एक कैश अकाउंट में आना था और एक आपके इंग्रेडिएंट्स में आना था और एक आपका कैपिटल अकाउंट में आना था, तो हमने वो सब जगह डाल दिए। ठीक है जी, और ये यहाँ पे ये भी हो चुका है, सॉरी मैं वहां पे टिक करना मुझे भूल गया था, क्योंकि ये जब हमने बेचा है तो ये निकल गया है यहाँ से। ठीक है जी, अब जब हमने देखा कि हमारे पास टोटल ट्रांजेक्शन हो चुकी हैं, ठीक है जी, ए टू जेड हमारी सब ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो चुकी हैं, हमने सब उसको पोस्ट कर लिया है, तो अब हमने सिंपली क्या करना है, अब हमने देखना है कि भाई क्लोजिंग बैलेंसेस क्या है।
अब जब हम मिल्क में देखें तो यहाँ पे नील है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और अगर हम कैश में देखें तो मैंने वैल्यू निकाली भी है, आप रिकैलकुलेट भी कर सकते हैं, 22,500 ही निकलेगी। ठीक है जी, सिंपल मैथमेटिक्स कर लेते हैं कि भाई ये 30,000 हो गया और जो है ना ये आपका जो है 31,000 हो गया और जो है ये 6,000 है और तो जब इसको ऐड करेंगे 37,000 बन जाएगा। और जब हम 10,000 जब हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 10,000 है और 4,500 है, तो जब हम नेट ऑफ फिगर करेंगे तो ये हमारे पास 22,500 रुपीज की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी, आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई है। ठीक है जी, ये तो सिंपल मैथमेटिक्स ही, हमारे पास जो क्लोजिंग बैलेंस आ गया वो आ गया 22,500 रुपीज का। बिल्कुल इसी तरह जब हम इंग्रेडिएंट्स में देखें तो वहां पे नील आएगा क्योंकि ये दोनों जो है ना नेट ऑफ हो चुका है। ठीक है जी, कुछ बचता ही नहीं है पीछे हमारे पास। जब कैपिटल अकाउंट में हम देखते हैं तो एक तो हमने जो है ना कैश लाया इसमें तो 20,000 रुपीज वो हो गए, फिर हम हमारे पास जो है ना मिल्क में 1,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ तो वो ऐड हो गया, फिर हमारे पास 1,500 रुपीज का प्रॉफिट हुआ वहां पर जो है ना हमारे योगर्ट में, तो हमारे पास जो टोटल फिगर बन गई इनको ऐड करके वो हमारे पास 22,500 बन गई। अगर हम देखें तो हमारे पास टोटल जो अकाउंट्स हैं वो टोटल चार अकाउंट्स यहाँ पे बने हैं टी अकाउंट्स, तो हमारे पास दो तो वैसे ही मेल है। तो अगर हम देखें तो हमारे जो क्लोजिंग बैलेंसेज आ रहे हैं वो अपोजिट साइड्स पर आ रहे हैं और वो बिल्कुल सेम बैलेंसेज हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमने जो है टोटल जो कैलकुलेशन की है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। ये हमें ये चीज भी यहीं पे भी पता चल रही है कि अगर हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो वो बिल्कुल इक्वल बनेंगे। या आप इस तरह भी कर सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आप ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले इतनी मेहनत करने से पहले आप जो है ना ट्रायल बैलेंस बनाए और फिर जो है ना आप देखें कि भाई अब जो है क्या करना है क्या नहीं करना है, कोई मिस्टेक हो गई फिर आप उसे देखें, तो आप क्या करें आप सिंपली जो है ना आप डेबिट साइड के जितने क्लोजिंग बैलेंसेज आ रहे हैं ना या वो आप ऐड कर लें। ठीक है जी, सिंपल कैलकुलेटर पे ऐड कर लें, उनका सम एक जगह देख नोट कर लें और फिर जो है ना आप क्रेडिट साइड के जो है ना सम नोट कर ऐड कर लें और उन्हें नोट कर लें, तो आपको जो है ना पता चल जाएगा कंपैरिजन से कि वो सेम है या नहीं। अगर वो सेम है तो मतलब आपने बिल्कुल एक्यूरेट क्वेश्चन किया है, आपने कहीं कोई मिस्टेक नहीं की। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर वो सेम नहीं है तो मतलब आपने कहीं ना कहीं गड़बड़ की है, तो आपको वो करेक्ट करनी पड़ेगी। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंपली हमारा जो लास्ट चीज रह गई है हमारी वो हमें क्वेश्चन कह रहा था कि जो है ना हमें ट्रायल बैलेंस बनाना है, तो अब हम सिंपली ट्रायल बैलेंस बना रहे होंगे। तो हमने मिल्क में देख लिया था, मिल्क में हमारे पास नील बैलेंस था और हमारे पास योगर्ट में भी हमारे पास नील बैलेंस है। कैश में हमारे पास बैलेंस आ रहा था, ये देख लें मिल्क और जो है ना हमारा योगर्ट जो है वो बिल्कुल नील है और जो है ना हमारे पास कैश में जो क्रेडिट साइड पे बैलेंस आ रहा है इसका मतलब है कि डेबिट का बैलेंस हमारे पास बच रहा है, तो वो जो है कितना है 22,500 रुपीज का। ठीक है जी, और अगर हम कैपिटल अकाउंट में जाएं तो हमारे पास क्या है, कैपिटल अकाउंट में हमारे पास जो बैलेंस आ रहा है क्लोजिंग बैलेंस वो डेबिट साइड पे आ रहा है, इसका मतलब है कि ये जो बैलेंस है वो एक्चुअली क्रेडिट का बैलेंस है। तो ये हमारे पास कितना आ रहा है, ये भी 22,500 आ रहा है, तो हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास टोटल जो बैलेंसेज आ गए वो डेबिट साइड के टोटल बैलेंसेज 22,500 और सेम हमारे पास बैलेंस आ गए क्रेडिट साइड के। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी क्यूरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी इशू हो, आप जो है ना सिंपली मुझे जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, या आप कमेंट्स में क्वेश्चन डाल सकते हैं, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।